हेलो स्टूडेंट, आई एम संदीप सेन और आज हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल्स में हमारा अगला जो क्रॉप है कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी, उसके बारे में पढ़ेंगे। कॉलीफ्लावर जिसका बॉटनिकल नेम है ब्रैसिका ओलारेसिया, वैरायटी है बोट्राइटिस, फैमिली है क्रूसीफेरी, ओरिजिन है मेडिटेरियन रीजन, प्लांट पार्ट कर्ड। फूल गोभी ब्रैसिका ओलारेसिया वैरायटी बोट्राइटिस गोभी वर्ग की सब्जी में अत्यंत लोकप्रिय सब्जी है। इसके छोटे घने तने, पत्तियां, चक्रवार मूसला जड़ प्रणाली शाखित, इसका मुख्य विकसित भाग फूल के रूप में विकसित होता है जो सामान्य रूप से वाइट कलर का होता है। जो कॉलीफ्लावर है वो बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र फूल गोभी उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। फूल गोभी की नई किस्म के विकसित होने के कारण अब इसमें गैर परंपरागत क्षेत्रों जैसे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में भी इसे उगाया जाने लगा है। हिस्ट्री ओरिजिन कहता है फूल गोभी की जन्मभूमि इटली या भूमध्य सागर क्षेत्र के दक्षिणी यूरोप का कोई भाग है, परंतु भारतीय गोभी का जन्म स्थान भारत ही है। न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोटीन, फूल गोभी में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन ए और सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ नमी, प्रोटीन, वसा, रेशा, खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, थियामिन, कैलोरी, फॉस्फोरस, आयरन, सोडियम, विटामिन सी, विटामिन ए भी पाया जाता है। जलवायु क्लाइमेट, कॉलीफ्लावर इज अ मोर एक्सैक्टली क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट देन कैबेज और ब्रोकली। इट इज क्वाइट रिस्पॉन्सिव टू टेम्परेचर एंड फोटो पीरियड एंड लेस स्पेसिफिक टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू वेराइटी। द एवरेज ऑप्टिमम मंथली टेम्परेचर इज 15-20 डिग्री सेंटीग्रेड। फूल गोभी शीतोष्ण जलवायु में उगाई जाने वाली सब्जी है। फूल गोभी उत्पादन में विशेष भूमि का तापमान होता है क्योंकि तापमान वनस्पतिक वृद्धि यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ, फ्लावर इनिशिएशन या फ्लावर डेवलपमेंट और फूल गोभी के जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है उसको बढ़ाता है। फूल गोभी को औसत तापमान 5-8 डिग्री सेंटीग्रेड से 25-28 डिग्री सेंटीग्रेड तक उगाया जाता है। वेजिटेटिव ग्रोथ के समय कुछ किस्मों का न्यूनतम 10 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। यदि तापमान अधिक हो फसल की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो अच्छी होती है। यदि तापमान कम हो तो उसी स्थिति में छोटे फूलों का निर्माण होता है। अगर टेम्परेचर लो हो जाए तो जो फ्लावर है जो फूल गोभी का वो छोटे छोटे रह जाते हैं। फूल निर्माण के समय तापमान के अधिक उतार चढ़ाव के फूल निर्माण में बहुत विकार उत्पन्न होता है। कहने का मतलब अगर टेम्परेचर बार बार अप एंड डाउन होता रहेगा तो उससे क्या जो फ्लावर जो डेवलपमेंट है वो उस पर इफ़ेक्ट होता है, फ्लावर छोटा रह जाता है। अब देखते हैं सॉइल, फेयरली डीप लोमी सॉइल इज प्रिफरेबल, कैन बी ग्रोन इन सैंडी लोम, सिल्ट लोम एंड क्ले लोम, सॉइल शुड बी रिच ऑर्गेनिक मैटर एंड वेल ड्रेनेज। फूल गोभी को उचित जल निकास वाली रेतीली दोमट से चिकनी दोमट मृदाओं में सफलतापूर्वक या सुगमतापूर्वक उगाया जाता है। साथ ही ये मृदाएँ उर्वर भी होनी चाहिए, मतलब उसमें ऑर्गेनिक जो कंटेंट है, ऑर्गेनिक मैन्यूर है या ऑर्गेनिक मैटर है वो प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। सामान्य गहरी दोमट मृदाएँ फूल गोभी उत्पादन हेतु आदर्श मानी जाती है और फूल गोभी को अधिक अम्ली मृदाओं में नहीं उगाना चाहिए जिसमें एसिडिक सॉइल में एसिडिक की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, उस सॉइल में हम फूल गोभी का प्रोडक्शन नहीं लेते हैं। फूल गोभी प्रोडक्शन के लिए या कॉलीफ्लावर प्रोडक्शन के लिए जो सॉइल का जो पीएच है वो 5.5-6.5 तक होना चाहिए, ये उसके लिए उत्तम मानी जाती है। वेराइटीज में अर्ली कुमारी, पूसा दीपाली, पूसा हिम ज्योति, पूसा शुभ्रा, पूसा स्नोबॉल, K1, पूसा दीपाली ये वाइट कलर की होती है और ये इसका जो उपज है वो 10-12 टन पर हेक्टेयर उपज देती है और ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, कर्नाटक, केरल, दिल्ली में इसका प्रोडक्शन लिया जाता है। रिलीज्ड फ्रॉम IARI, जो पूसा दीपाली है वो IARI से रिलीज्ड की हुई वैरायटी है।
यर्ली कुमारी, इट हैज़ ब्लूइश ग्रीन लीव विथ वैक्सी ब्लूम्स, द कर्ड्स आर वाइट एंड नॉट सो कॉम्पैक्ट, इट इज़ द अर्लीस्ट कल्टीवेट रिलीज बाई पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये सबसे जल्दी अगेती फसल जिसको बोलते हैं, सबसे जल्दी प्रोडक्शन देने वाली फसल है, और ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से डेवलप्ड की गई है। पूसा हिमज्योति, पूसा शुभ्रा, इट इज़ फील्ड रेजिस्टेंस टू ब्लैक रॉट एंड कर्ड ब्लाइट। पूसा जो शुभ्रा है वो ब्लैक रॉट और कर्ड ब्लाइट से रेजिस्टेंस है। पूसा स्नोबॉल K1, फील्ड रेजिस्टेंस टू ब्लैक रॉट। पूसा स्नोबॉल ये भी ब्लैक रॉट से रेजिस्टेंस वैरायटी है। अब अगला देखते हैं, नर्सरी मैनेजमेंट, सीजन, टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, टाइम ऑफ सोइंग। सबसे पहले देखते हैं नर्सरी। फूलगोभी का जो प्रोपोगेशन है वो सीड्स के द्वारा किया जाता है। इससे पहले पौधशाला या नर्सरी में बोया जाता है। बीज को पौधशाला में कब बोया जाए, यह उगाने जाने वाली किस्म और तापमान पर निर्भर करता है। भारतीय फूल गोभी की पौध बनाने के लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनके लिए तापमान उपयुक्त नहीं है। इस समूह की किस्मों को उगाने के लिए पौधशाला की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर से अधिक नहीं रखनी चाहिए, और नर्सरी में 100 स्क्वायर मीटर नर्सरी एरिया पर हेक्टेयर के लिए उपयुक्त होती है। तो नर्सरी में FIM @300 kg एंड 10 kg नंबर एंड मिक्सचर 5:9:9 के रेशियो में हम उसमें नर्सरी में डालते हैं। पौधशाला निर्माण का जो जगह है वो ऊंचा 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 स्थान चुनना चाहिए, जिसकी कई बार खुदाई करनी चाहिए। प्रति वर्ग मीटर 10 kg कंपोस्ट खाद उसमें डालनी चाहिए। बीज बोने से पूर्व सीड को ट्रीट किया जाता है 0.3% कैप्टॉन या थायरम से हम घोल का छिड़काव करके उसे ट्रीट करते हैं। फफूंदी जनित रोगों से बचाने के लिए उसको सीड ट्रीटमेंट किया जाता है। जो अगेती जो किस्म है या जो अर्ली वेराइटीज है उसके लिए 450 to 700 ग्राम यानी 450 से 700 ग्राम, और मध्यम या लेट वेराइटी के लिए, मीडियम या लेट वेराइटी के लिए 300 से 500 ग्राम सीड उपयुक्त मानी जाती है, पर्याप्त होती है। 375 ग्राम पर हेक्टेयर 100 बीज, राइज्ड बेड एंड ट्रांसप्लांट 25 डेज, अर्ली वेराइटी 25 टू 30 डेज में ये जो प्लांट है वो तैयार हो जाती है ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए। नॉर्मली हार्डनेड सीडलिंग इज लकीली टू गिव बेटर रिजल्ट एंड सिंस द ईयरली क्रॉप आर रेस्ड इन द मानसून, 5 to 6 week ओल्ड सीडलिंग स्टैंड बेटर चांस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। 5 से 6 सप्ताह जो पुरानी जो सीडलिंग होती है वो फील्ड में इस्टेब्लिश करने के लिए, स्टैंड रहने के लिए उपयुक्त रहती है। स्टार्टर सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम सल्फेट एंड सुपर फॉस्फेट 1:2 इस कॉम्बिनेशन विद 0.1 ppm ऑफ IBA वॉज बेस्ट एंड इकोनॉमिकल फॉर अर्ली एंड टोटल इल्ड। सोडियम सल्फेट या सुपर फॉस्फेट का कॉम्बिनेशन अमोनियम सल्फेट और सुपर फॉस्फेट का 1:2 में कॉम्बिनेशन करके 0.1 ppm IBA के साथ मिलाकर हम उसमें छिड़काव करेंगे तो हमें इकोनॉमिकली रूप से बहुत अच्छी इल्ड प्राप्त होगी। अब देखते हैं मैन्यूरिंग। हिल्स जो एरिया है, पर्वतीय क्षेत्र, वहाँ पर इसे 30 टन पर हेक्टेयर ऑफ FIM 90 kg नाइट्रोजन, 90 kg एंड 90 kg फॉस्फोरस एंड पोटास एज बेसल डोज 55:55:55 kg NPK हैज आफ्टर 45 डेज। प्लेन एरिया में भी उसी रेशियो में दिया जाता है। सफल फूल गोभी उत्पादन है तो उसने कटिबंधी वाले क्षेत्रों में 40 से 70 टन गोबर की खाद, 60 से 150, अगर मैक्सिमम रेशियो देखा जाए हिल या प्लेन को एवरेज निकाला जाए तो 40 से 70 टन गोबर की खाद, 60 से 150 किलो नाइट्रोजन, 50 से 80 किलो तक फास्फोरस और 60 से 120 किलो तक पोटास प्रति हेक्टेयर डालने का प्रावधान बताया जाता है। उत्तरी मध्य भारत के क्षेत्रों में 150 किलो नाइट्रोजन और 60 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर
दिया जाता है। आधी नाइट्रोजन और फास्फोरस व पोटास की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय डालनी चाहिए, और नाइट्रोजन की जो शेष आधी मात्रा है वो 2 से 3 बार टॉप ड्रेसिंग के रूप में हम देते हैं रोपाई के 20 दिन उपरांत, या 1 से 2% यूरिया प्रति सप्ताह छिड़काव करते रहते हैं। रोपाई रोपण के समय किस्म के अनुसार रोपण दूरी में भिन्नता पाई जाती है। सितंबर माह में तैयार होने वाली जो समूह की फूल गोभी की डालियाँ 60 सेंटीमीटर टू इंटू 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपना चाहिए, जबकि मध्यम वेराइटी या लेट वेराइटी को 60 इंटू 40 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पे रोपना चाहिए। जो सीज़न है उसको सितंबर नवंबर में उगाया जाता है, फिर अक्टूबर नवंबर में, फिर नवंबर टू दिसंबर में, दिसंबर टू जनवरी एंड जनवरी टू फरवरी, अलग अलग वेराइटी के हिसाब से उसको सीज़न वाइज उगाया जाता है। इंटरकल्चर ऑपरेशन में गोभी की फसल के साथ अनेक खरपतवार उग जाते हैं जो नमी और पोषक तत्वों में प्लांट के साथ कंपटीशन करते हैं। तो यदि फसल बड़े होने पर उगाई गई हो, श्रमिकों की समस्या उस खरपतवार नाशकों का उपयोग करना चाहिए। पेंडीमेथिलीन, फ्लू क्लोरा रालीन 2 से 3 किलोग्राम की मात्रा हम फील्ड में छिड़काव करते हैं। वीडीसाइड के साथ साथ हमें हैंड वीडिंग या 1-2 बार निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए, हाथों से भी जो खरपतवार है उसको निकालते रहना चाहिए। साथ ही खरपतवार जो है वो कीट व रोगों को भी असर प्रदान करता है, तो उसका नियंत्रण भी हमें करते रहना चाहिए। फूल गोभी की फसल की रोपाई अधिक दूरी पर करने, अधिक सिंचाइयाँ और अधिक मात्रा में खाद और उर्वरकों का उपयोग करने के कारण अधिक खरपतवार उगते हैं। फील्ड में बहुत ज़्यादा सिंचाई करने से, बहुत ज़्यादा खाद डालने से भी खरपतवार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सिंचाई एवं जल निकास, रोपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई संख्या और उसकी फ्रीक्वेंसी, मौसम या फिर सॉइल की जो टाइप्स है और जो कॉलीफ्लावर की वैरायटी है उसके ऊपर भी निर्भर करती है। पौधों की बढ़वार और फूल निर्माण के समय भूमि में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है जब फ्लावर डेवलपमेंट हो रहा हो और पौधे की जो वेजिटेटिव ग्रोथ डेवलपमेंट हो रही हो, उस समय फील्ड में मॉइस्चर कंटेंट लेस नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर कंटेंट प्रॉपर सॉइल में बनी रहनी चाहिए। जो अर्ली या लेट वेराइटी है वो 3 किस्म फूल गोभी में सिंचाई मानसून वर्षा पर निर्भर करती है। जो अर्ली वेराइटी है वो नॉर्मली मानसून के टाइम पर ही आती है, तो मानसून पर निर्भर रहती है। फूल गोभी की अवधि में 5 से 8 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। जो हम फूल गोभी की रोपाई मेड़ों में करते हैं ना, रिज एंड फैरो मेथड से हम अगर प्लांट को लगाए हैं, तो उस सिस्टम में 5 से 8 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। भारी सिंचाई के कारण पानी इकट्ठा हो जाता है जो फसल के लिए अत्यंत हानिकारक है। ये ध्यान रखें कि फील्ड में पानी इकट्ठा ना होने पाए एक जगह पे। ये जगह पानी अगर इकट्ठा होगा तो वो फसल के लिए हानिकारक होता है, अतः इसे निकालने के लिए उचित जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी व्यवस्था करके रखनी चाहिए। गैप फिलिंग आफ्टर 20 डे ऑफ प्लांटिंग टू मेंटेन द पॉपुलेशन एंड यूनिफॉर्म ग्रोथ। होइंग एंड वीडिंग ऑन 30th and 45th days। अवॉइड डीप इंटरकल्टिवेशन एज इट इज सैलो रूटेड क्रॉप। फसल सुरक्षा में इसमें कीट लगते हैं जैसे कि चैपा, जैसिट लगता है, तना छेदक लगता है, हेलुला अंडेलिश और डायमंड बैक मॉथ, लीफ वेपर, ग्राम कटर पिलर, ये सब इंसेक्ट कॉलीफ्लावर में मोस्टली लगते हैं जो प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं। और डिसीज है आर्द्र विलगन, यानी कि डंपिंग ऑफ जिसको बोलते हैं, काला विलगन, ब्लैक रॉट, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, लीफ के जो अपर सरफेस और लीफ के जो लोअर सरफेस है उसमें पाउडर लाइक स्ट्रक्चर उसमें दिखाई देता है हमको, सफ़ेद पाउडर लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। अब देखते हैं हार्वेस्टिंग, फसल की कटाई। फूल गोभी की समय पर कटाई करना नितांत आवश्यक है। फूल गोभी की कटाई उस समय करनी चाहिए जब फूल पूरी तरह विकसित हो जाए और उसका वास्तविक रंग हो और वह ठोस हो।
कॉलीफ्लावर जो है एक फ्लावर है, फ्लावर के रूप में इनिशिएट होता है या डेवलपमेंट होता है, जो जब फ्लावर पूरी तरीके से डेवलप्ड हो जाए और हार्डनेस उसमें आ जाए और प्रॉपर वाइट कलर या जो भी उसका कलर है उस कलर में आ जाए, तब उसका कटाई हमको करना चाहिए। अगर उस समय अगर हम कटाई नहीं करेंगे तो हमको मार्केटिंग वैल्यू ज़्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि फूलों का रंग उड़ जाए, थोड़ा फीका रह जाता है। पत्तियों की तुड़ाई फूलों के परिवहन पर निर्भर करती है। जब फूलों का जो पत्तियां जो रहती है वो ट्रांसपोर्टेशन पर डिपेंड करता है कि हमको लोकल मार्केट में ले जाना है कि डिस्टेंस मार्केट में, उसके आधार पर जो फूल गोभी के बाहर आइट साइड में जो पत्ते होते हैं उसको काटा जाता है। फूल गोभी को जूट की बोरियों में भरा जाता है, तो अंदर की पत्तियाँ फूलों को ढकने के लिए छोड़ दी जाती है और अन्य पत्तियों को हटा दी जाती है। उपज फूल गोभी की जो यील्ड है, फूल गोभी की उपज कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे भूमि की उर्वरा शक्ति, उगाए जाने वाली किस्म, मौसम, फसल की देखभाल प्रमुख है। फूल गोभी की जो अगेती किस्में यानी कि अर्ली वेराइटी, वो औसतन 60 से 100 क्विंटल पर हेक्टेयर उपज देती है, 60 से 100 क्विंटल पर हेक्टेयर उपज देती है, और जो मीडियम या लेट वेराइटी है वो 250 से 300 क्विंटल तक उपज दे या यील्ड हमें देती है। तो ये तो था कॉलीफ्लावर का प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आज हमने पढ़ा। थैंक यू।